आप लोग मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज मैं आपसे ये वाली बात करने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने एम्प्लॉयज को रिटेन कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे बिजनेस ओनर्स के साथ देखा, वो मेहनत करते हैं एम्प्लॉयज के साथ, उन्हें सिखाते हैं ये वाली चीजें करते हैं, और उसके बाद क्या होता है, एम्प्लॉय सीखता है और सीख के चला जाता है। बहुत सारे बिजनेस ओनर्स मेरे से आके बोलते हैं, सर हमारी कंपनी तो ट्रेनिंग ग्राउंड बन गई है, लोग हमसे सीखते हैं, सीख के हाई सैलरी पे चले जाते हैं। सो जब आप इतनी सारी मेहनत करते हो तो आपको ये वाली चीज समझ में आनी चाहिए कि इम्प्लॉयज को हमें रिटेन कैसे करना है। और आज इस वाली चीज को मैं आपको तीन स्टेप्स में बताने वाला हूं। इसमें पहले दो स्टेप्स आसान है, जो तीसरा स्टेप है वो की बिजनेस ओनर स्किल्स हैं जो आपके पास होनी चाहिए अगर आप ये वाला काम करना चाहते हो। अगर आपके पास ये वाली स्किल्स नहीं है तो आपको इन वाली स्किल्स पे काम करना होगा। तो ये जितनी थ्योरी मैं आपको वन और टू में बताऊंगा वो वाली चीज तब ट्रू होगी जब थर्ड लेवल पे आपके पास ये वाली स्किल्स होंगी। तो इन चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले जैसे आपको ये मॉडल दिख रहा है, इस वाले मॉडल में सबसे पहली चीज जो है वो हमारा एम्प्लॉय। सो बिजनेस ओनर को अगर इस एम्प्लॉय को रिटेन करना है तो सबसे पहली चीज, जिस चीज पे बिजनेस ओनर को काम करना होगा, वो वाली चीज होती है माइंडसेट। सो माइंडसेट का क्या मतलब है? माइंडसेट का मतलब ये है कि भाई हमें एम्प्लॉय को दो तरीके से देखना। मैंने कई बार बिजनेस ओनर को देखा, वो एम्प्लॉय से बात ही नहीं करते, एम्प्लॉय को देखते ही नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे आपके यहाँ पे दो कोर होते हैं। ये जो आपको बाहर ब्लू पोर्शन दिख रहा है, यहाँ पे जो इस चीज की मैं बात कर रहा हूँ, ये एम्प्लॉय लेवल है, राइट? सो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो हमारा एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉय का लेवल है, और ये जो अंदर वाला लेवल है ये है ह्यूमन लेवल। ह्यूमन मतलब इंसान, जो असलियत में वो है। मैंने बहुत सारे बिजनेस ओनर्स को देखा है, वो एम्प्लॉय लेवल पे काम करते हैं और एम्प्लॉय लेवल के बारे में सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि यार इसकी सैलरी हम सही देते हैं और हम इसे टाइम पे देते हैं, बस हो गया, हम इसकी बातें सुन लेते हैं और ये वाला काम कर लेते हैं, इसको हमारे आता है, काम करता है, वो करके चला जाता है, दैट्स इट। लेकिन अगर आपको अपने एम्प्लॉयज को अपने पास रखना है तो आपको उनसे ह्यूमन लेवल पे कनेक्ट करना होगा। ह्यूमन लेवल पे कनेक्ट करने का क्या मतलब है? ये वो लेवल है जहाँ आपको समझना होगा कि ये जो आपके लोग हैं, जो आपके लिए काम कर रहे हैं, इसकी लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है, इसके लिए क्या जरूरी है जिंदगी में। तो यहाँ पे जो चीज सबसे जरूरी चीज है, वो चीज जो हमें समझनी पड़ेगी वो क्या है, इस आदमी के गोल्स क्या है, इस आदमी की जिंदगी में गोल्स क्या है, इसकी प्रायोरिटीज क्या है, इसकी चीजें इसके लिए क्या क्या जरूरी है। तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछनी पड़ेगी और वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू हिम और हर। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू हिम मतलब इसके लिए क्या जरूरी है। सो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक बार मैं एक मूवी देख रहा था, उस मूवी में कोई बड़े लीडर थे, वो ये वाली बात कर रहे थे, दो तरीके की बात कर रहे थे, कह रहे थे यार दो चीजें पता होनी चाहिए आदमी, दो जरूरी चीज। और ये पहली चीज क्या है, हमें ये पता होना चाहिए हमें कौन चाहिए। इसका मतलब हमें यहाँ पे एक लिस्ट बनानी है वो लोगों की जो हमें चाहिए। जो उनका सेकंड स्टेप था, हमें ये पता होना चाहिए जो हमें चाहिए उसे क्या चाहिए। फिर से बोल रहा हूं ताकि आप लोग इस वाली चीज को, कॉन्सेप्ट को समझ सके। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमें कौन चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, जो हमें चाहिए उसे क्या चाहिए। सो एज अ बिजनेस ओनर आपको अपना माइंडसेट जो है वो थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा और वो जो अंदर इंसान बैठा हुआ है उस वाले इंसान को समझना पड़ेगा कि इसके गोल्स क्या है, इसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। क्योंकि आप जब ये वाली चीज समझ लेंगे तभी आप जो उसको जिस भी रोल में बैठा रहे हैं या जो भी काम उसको करवाने की कोशिश कर रहे हैं, वो वाली चीजें जो होनी चाहिए वो इसके गोल्स को पूरा करनी चाहिए, वो वाली जो चीजें हैं वो गोल्स को फुलफिल करनी चाहिए, तभी वो वाला जो आदमी होगा वो आपसे डीप लेवल पे कनेक्ट करेगा। मैं बाकी की चीज आपको बताता हूँ। ह्यूमंस के साथ जो कनेक्ट करते हैं उसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, जिसमें एक चीज होती है रेस्पेक्ट, कि भाई आप उस आदमी की इज्जत करते हैं और वो आदमी आपके साथ समय बिताना पसंद करता है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो उनका वीक टाइम होता है। वीक टाइम का मतलब वो समय जब उन्हें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि अगर आप देखोगे जो लोग आपके साथ रुके हुए हैं वो लोग रुके हुए हैं जिनके साथ आप खड़े थे जब उनका संकट का समय था, जब उनकी परेशानी का समय था। तो ये वाली जो चीज है, इस चीज पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आपको अपने एम्प्लॉयज को रिटेन करना है तो इस वाली चीज को, इन गोलों को याद रखना, और याद रखना कि मैं इससे एम्प्लॉय लेवल पे कनेक्ट कर रहा हूँ कि ह्यूमन लेवल पे कनेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वो वाली चीजें जो है वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है।
सो हम लोगों ने ये वाली चीज समझ ली। पहला जो पॉइंट है एम्प्लॉय नहीं ह्यूमन के लेवल पर उससे कनेक्ट करना है। कई बार कई लोग कह सकते हैं सर मेरी 300 लोगों की कंपनी है सबसे थोड़ी कनेक्ट करूंगा, सबसे जरूरत नहीं है, जो आपके कोर एम्प्लॉयज है उनके साथ आपको इस वाली चीज पे कनेक्ट करना है ह्यूमन लेवल पे, उनके गोल समझने, उनकी महत्वाकांक्षाएं समझने और ये वाला काम करना। सो ये हो गया आपका बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप। जब आप इस वाली चीज को अगर आप इनके गोल समझ के वाला काम करोगे तो आपको जरूर इस वाली चीज में मदद मिलेगी। इस वाले काम को करने का फिर से तरीका बता रहा हूँ, एक लिस्ट बनाओ वो आदमी जिन्हें आप रोकना चाहते हो, उसके बाद उनके क्या क्या महत्वाकांक्षा है, क्या क्या गोल्स है और उनके लिए आप जो भी रोल या जिस भी चीज में उसे फिट करना चाह रहे हो वो वाली चीजें उस चीज में समर्थन करनी चाहिए। अब जो इम्पोर्टेंट नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है बिजनेस ओनर की स्किल। वो क्या की बिजनेस ओनर की स्किल है जो होनी चाहिए अगर आप अपनी कंपनी को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि आपको लोग चाहिए, ठीक है, अपनी टीम को स्किल करने के लिए। तो इसमें आपकी स्किल का सेट होना बहुत जरूरी है और इसके लिए मैंने अभी आपका एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने लिखा हुआ है कि अगर आपको टॉप टीम बनानी है तो आपको क्या क्या काम करने चाहिए। सो आप ये वाला जो वीडियो का पोस्टर आपको दिख रहा है, आप इस वीडियो को देखने के बाद वो वाली चीज़ देख सकते हैं और अपने इन चीज़ों पर काम करके अपनी टॉप टीम तैयार कर सकते हैं। अब मैं आपको वो की बिजनेस ओनर की स्किल बता रहा हूँ जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी अगर आप अपने लोगों को रोकना चाहते हो, बड़ी टीम और एस टीम तैयार करना चाहते हो। तो सबसे पहली जो बिजनेस ओनर की क्वालिटी है जो उसमें होनी चाहिए, सबसे पहले लेवल पे वो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, क्योंकि अगर जो चीजें मैंने आपको ऊपर बताई हैं उसमें कोई छल कपट काम नहीं करता। नीयत साफ होनी चाहिए, रूह साफ होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो साफ होगी तो भगवान ने हमें ऐसा बनाया है ताकि दूसरा आदमी जो है वो इस वाली चीज को समझ सकता है, आपकी नीयत को समझ सकता है। ये शक्ति है सबके अंदर, जो समझ जाते हैं यहाँ पे छल कपट है, यहाँ पे हकीकत है, पहली चीज। जो दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट स्किल आपके पास होनी चाहिए वो स्किल जो है वो होती है आइडेंटिफाई स्टार एम्प्लॉयज। आपको ये वाली चीज पता होनी चाहिए यार कैसे इन लोगों को ढूंढू। आपका क्राइटेरिया क्लियर होना चाहिए कि यार जैसे मेरे लिए जो चीजें काम करती हैं वो ट्रस्ट काम करता है, अच्छा कैरेक्टर होना जरूरी होता है और मेहनती आदमी होना जरूरी होता है। तो आपकी भी कुछ क्वालिटीज होंगी जो आप ढूंढते होगे अपने स्टार एम्प्लॉयज में। आपको ये वाली क्वालिटीज को पहले क्लियर करना है कि क्वालिटी क्या है, और उसके बाद ये देखना है कि ये वाली क्वालिटी बाकी किस किस उसमें आपको मिल रही है। जो उसके बाद सेकेंड वाली चीज है जिस पर आपको काम करना आना चाहिए वो है कनेक्ट करना। सो कनेक्ट करने का मतलब ये है कि आपको रिलेशनशिप बनानी आनी चाहिए। आपके पास ह्यूमन जो है इंसान, इंसान की साइकोलॉजी और इंसान पे आपका महारत होना चाहिए इस वाली चीज का कि यार ये पता लगाना किसके लिए क्या चीज क्लिक करती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लीडरशिप क्वालिटी है बिजनेस ओनर के लिए, क्योंकि जब आप लोगों से कनेक्ट करते हो तो उन्हें ये चीजें समझ में आती हैं। और आपको खास तौर पर ये आर्ट होनी चाहिए, साइंस होनी चाहिए आपके पास कि लोगों के गोल्स को कैसे पता करूं, और इसको करने के लिए आपको लोगों के साथ कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, उनके टच में आना पड़ेगा, उनके साथ समय बिताना पड़ेगा। सो कनेक्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होती है। और उसके बाद जो थर्ड स्किल, जो और स्किल आपकी जिसकी जरूरत होती है वो स्किल आपकी होती है रिटेन करने की, सॉरी जो नेक्स्ट स्किल होती है वो होती है मेंटोर करने की। सो मेंटोर करने का मतलब अब जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, कनेक्ट कर लिया, इस आदमी को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाना और उसे ग्रूम करना ताकि वो आपके वाले लेवल पे परफॉर्म कर सके, जो लेवल आप चाहते हैं उस वाले लेवल पे परफॉर्म कर सके। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है मेंटरशिप का। और जो उसके बाद चौथा स्टेप होता है बहुत जरूरी, जिस पर हम लोगों ने शुरू में वीडियो बनाया था, वो है रिटेन करना। जब आपने आदमी पे इतनी मेहनत कर ली तो वो क्या कर लेना चाहिए, रिटेन हो जाना चाहिए। सो ये जो मैंने आपको मॉडल समझाया, आप लोग चाहो तो इसका आपको एक प्रिंटआउट मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में जाके। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको फिर से याद दिला रहा हूँ, अगर आपको आदमी को रिटेन करना है तो सबसे पहले आपको उसके माइंडसेट पे काम करना होगा। उसके बाद ये समझना होगा कि वो एंड में जाके एम्प्लॉय नहीं है, एक इंसान है। तो एम्प्लॉय सैलरी और इन चीज़ों की बात करते हैं, अगर आप ह्यूमन लेवल पर कनेक्ट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि उसे रेस्पेक्ट की ज़रूरत होती है। अपने जब वो कठिन परिस्थिति में होता है उस टाइम आप उसके साथ खड़े हुए होने चाहिए, उसे लगना चाहिए कि आप उसके साथ खड़े हो। तीसरी चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो है गोल्स, कि यार इस आदमी के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। अगर आप ये वाली चीज़ कर लोगे फिर आपको आखिरी जो काम करना होता है वो काम करना होता है जो उसका रोल है, जो भी काम वो कर रहा है, ये जो उसके गोल हैं उससे वो अलाइन कैसे होते हैं, कैसे ये वाली चीज़ इसके थ्रू वो अचीव करेगा, और इसका प्लान आपको उसको कम्युनिकेट करना होगा। और ये तीन स्किल्स की मैंने बात करी, बींग गुड ह्यूमन बींग, अच्छा स्टार एम्प्लॉय को आइडेंटिफाई करने का क्राइटेरिया, उससे कनेक्ट करना और मेंटोर करना और रिटेन करना। सो ये एक मेरी टिप्स थी आपके लिए, जो इंपॉर्टेंट टिप्स थी। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो
तो प्लीज 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 इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और चीज पे आपका वीडियो बनाऊं तो वो वाली चीज मुझे बताइए, हम लोग उस पर जरूर वीडियो बनाएंगे। और प्लीज लाइक करना मत छोड़िएगा क्योंकि इस समय प्रोत्साहन मिलता है। सो मेरे अगले वीडियो तक के लिए आपको बहुत नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। आपको मेरा नमस्कार, मैं सुमित, मैं आपकी तरह एक बिजनेस ओनर हूँ और स्मॉल टू मीडियम बिजनेस ओनर्स की मदद करता हूँ उनके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, उनके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, उनके बिजनेस को ऑटो पायलट में ले जाने के लिए। तो इससे पहले थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ। इससे पहले हमारी कंपनी थी एड्यूरेका, जिसे हम लोगों ने 4 साल में 0 से लेकर 250 करोड़ तक पहुँचाया था, वो भी बिना किसी एक्सटर्नल फंडिंग के। इस कंपनी को हमने ग्रो किया था 4-5 लोगों से लेकर 350 लोगों तक की कंपनी बनाने। और 2017 में मैंने इस कंपनी से एग्जिट लिया, इसके एक्टिव रोल से एग्जिट लिया और अपनी कंपनी स्टार्ट करी आई डिज़ाइन माई लाइफ, जो कि MSME बिजनेस ओनर्स के लिए डेडिकेटेड। उसके बाद मैंने एक किताब भी ऑथर की, जिस किताब का नाम है आई कैन ग्रो योर बिजनेस। इसमें मैंने अपनी पूरी की पूरी जो लर्निंग्स हैं वो शेयर करी हैं बिजनेस ओनर्स के साथ कि कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप अपने बिजनेस को ऑटो पायलट में लेकर। अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत सारे बिजनेस वेबिनार्स करते हैं, बहुत सारे बिजनेस के प्रोग्राम्स करते हैं। तो आप लोगों के पास हमारे पास जुड़ने के लिए ये वाले लिंक्स दे रखे हैं, आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, ये वाले डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, ये जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, इस तरीके से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आशा करता हूँ कि हमारी आपकी मुलाकात होगी। अगर आप अपने गोल्स के लिए कमिटेड हैं तो थैंक यू वेरी मच।